एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ टू बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इग्नू। इग्नू में आपको गोल्ड मेडल कैसे मिल सकता है। तो इस टाइम पे ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी दिसंबर सेशन का एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी पहली बार इग्नू का एग्जाम दे रहे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही है, तो उनको बहुत ज्यादा करेज मिलेगा, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता हूं, मुझे भी गोल्ड मेडल मिल सकता है इग्नू में। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इग्नू का गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए। तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे फातिमा शेख जी ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने, वो मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मेल किया था कि आप गोल्ड मेडलिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाइए ताकि हम सबको पता चल जाए कि हम गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बन सकते हैं इग्नू में। तो चलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ कि गोल्ड मेडलिस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को सब कुछ सही से समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया टू बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इग्नू। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इग्नू में गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए, वो है अ कैंडिडेट मस्ट स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन जून एंड दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन। एक कैंडिडेट को हाईएस्ट मार्क्स लाना होगा अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसको, वो चाहे बीए प्रोग्राम का हो या बीकॉम का हो, चाहे बीएससी का हो, एमए का हो, एमकॉम का हो, जिस प्रोग्राम का हो, उसको अपने प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट से सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाना होगा जून टर्म एग्जामिनेशन या दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन में, तभी वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बनने के हकदार होगा और वो उसके लिए एलिजिबल होगा। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। लेकिन सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है, अगर कोई एक पर्सन सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स ला दे रहा है तभी उसको गोल्ड मेडल नहीं मिल जाता है, उसके बाद से भी और भी बहुत सारे क्राइटेरिया जिसको वो फुलफिल करेगा तभी उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। तो ये पहला क्राइटेरिया कि उसको हाईएस्ट मार्क्स लाना होगा, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है कि उसको अपना ग्रेजुएशन, अपना डिग्री या डिप्लोमा मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स में क्लियर करना होगा। मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आपको दो साल में ही कंप्लीट करना होगा, दो साल से सिक्स मंथ भी डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एक बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम तीन साल में आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, एक सिक्स मंथ का भी डिले नहीं होना चाहिए। तो सबसे मिनिमम ईयर्स में आपका डिग्री कंप्लीट होगा तभी आप एक गोल्ड मेडल पाने के हकदार हैं, आपको गोल्ड मेडलिस्ट आप बन सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हुआ कि आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना होगा, दूसरा ये है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स में अपना डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ही सी नेवर रिपीट इन एनी पेपर इन एनी एग्जाम टर्म एंड एग्जामिनेशन। उसने कभी भी एक पेपर को दो बार नहीं दिया होगा, ठीक है। जैसे आपने सपोज कोई एक मैथ्स का पेपर ले लिया है, ठीक है, उसको आपने जून में भी दिया, उसके बाद से आपने दिसंबर में भी दिया, तब इस सूरत में आप गोल्ड मेडलिस्ट के हकदार नहीं होंगे। तो आपको सारा पेपर एक ही अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में, पहले एग्जाम में आपको क्लियर करना होगा, तब जाके आप गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। और इनफैक्ट थ्रू द ईयर, यानी कि आप अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं या मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में ही आपको कोई भी पेपर को रिपीट नहीं करना होगा, तब आप गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। फिर तीसरा जो क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया है, चौथा, सॉरी, मस्ट स्कोर ओवर 60% इन एग्रीगेट। तो उसको 60%, ये नहीं कि हाईएस्ट मार्क्स है तो हाईएस्ट मार्क्स मतलब 40% भी ला दिया लेकिन सबसे हाईएस्ट है तो उसको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, आपको 60% से ज्यादा लाना होगा तब आप एक गोल्ड मेडलिस्ट के हकदार हो सकते हैं, आपको गोल्ड मेडल मिल सकता है। और एग्रीगेट का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का सारा सब्जेक्ट मिला के आपका 60% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप मेजर कर रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर आपको परसेंटेज नहीं काउंट करना है, सारा का सारा पेपर को आपको काउंट करना है, तब जाके उसका एग्रीगेट निकल के जो 60% से ज्यादा होगा तब आप एक गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। और जो चौथा क्राइटेरिया, जो लास्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि नेवर बुक फॉर एनी अनफेयर मीन केस इन एनी वन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। अनफेयर मीन केस यूएफएम उसके ऊपर कभी भी नहीं लगा होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कभी भी उनको इंटायर कोर्स में उनके ऊपर यूएफएम नहीं लगा होना चाहिए। यूएफएम यानी कि अगर उन्होंने कोई चीटिंग, कॉपिंग का ये सब का केस नहीं लगा होना चाहिए उनके ऊपर, तभी वो गोल्ड मेडलिस्ट के हकदार हो सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपको गोल्ड मेडल मिल सकता है। तो अगर इस वीडियो को हम सारा क्राइटेरिया को अगर समअप करेंगे तो समअप ये होगा कि कैंडिडेट मस्ट स्कोर, उनको हाईएस्ट मार्क्स भी लाना होगा जून टर्म एग्जामिनेशन में, उनको मिनिमम ईयर में कंप्लीट भी करना होगा अपना डिग्री डिप्लोमा, यानी कि दो ईयर है तो दो ईयर, तीन ईयर है तो तीन ईयर, सिक्स मंथ का भी डिले नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो उन्होंने कोई भी पेपर को रिपीट नहीं किया होगा, सारा पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया होगा और उनका सारा एग्रीगेट मार्क्स होगा वो 60% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए और उनके ऊपर कभी भी यूएफएम नहीं लगा हो।
तो ये सारे क्राइटेरिया है, उनको अगर उन्होंने फुलफिल किया, किसी कैंडिडेट ने भी फुलफिल किया, तो उसको गोल्ड मेडल मिलेगा और वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है इग्नू में। तो अगर आप अगर गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं तो ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो कीजिए, ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए, आप भी एक गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। तो आई होप कि गोल्ड मेडल के रिलेटेड जो भी डाउट होगा कि गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बनते हैं, वो आप लोग का क्लियर हो गया होगा और आप भी मेहनत करेंगे ताकि आप भी एक गोल्ड मेडलिस्ट बन पाए। तो आई होप कि आपके सारा प्रॉब्लम, सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू सो मच।